महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंची, जहां उन्होंने बिलासपुर के कांग्रेस भवन में महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि देश को आज कांग्रेस से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश की के साथ सिर्फ अन्याय किया गया है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान और महिलाओं को लेकर बात नहीं हो रही है। अलका लांबा ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। दो चरणों में हुए मतदान को लेकर अलका लांबा ने कहा कि दक्षिण भारत की सभी सीटों पर कांग्रेस स्वीप कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से पूरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। हाँ नहीं, हमारी हमारी बहन बैठी हुई है मेरे से ज्यादा नक्सलवाद के ऊपर ये जानती है, खुद शिकार हुई है। नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ, गृह मंत्री है देश के, नक्सलवाद खत्म करने के झूठे खोखले दावे हैं, आतंकवाद खत्म करने के झूठे खोखले दावे हैं। 370 पर छत्तीसगढ़ में वोट मांग रहे हैं, आदम कद का होर्डिंग, प्रधानमंत्री जी 370 पर वोट मांग रहे हैं। धर्म पर पूछेगा 370 इतना कामयाब रहा, कश्मीर में उम्मीदवार भाजपा क्यों नहीं दे रही, लद्दाख में आपके खिलाफ आंदोलन चल रहा और आपने अपने सिटिंग सांसद की टिकट काट दी लद्दाख में। अब वो कह रहा है उसकी बड़ी भूल थी कि वो भाजपा का सांसद था और अन्याय हुआ है वहां के लोगों से। अगर भाजपा का 370 आतंकवाद नक्सलवाद के दावे सच्चे होते तो जम्मू कश्मीर के चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से इनको ना करना पड़ता, इन लोकसभा के साथ वहां के भी चुनाव होते। लेकिन वहां के मुद्दों पर वहां लड़ने की हिम्मत भाजपा आरएसएस मोदी जी में नहीं है। और 370 धर्म के नाम पर बहनों को डराया जा रहा है, मुसलमान घुसपैठिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपका मंगलसूत्र, एक टीवी चैनल के एंकर ने हिम्मत दिखाई है। हमारा घोषणा पत्र, न्याय पत्र, जिसमें 48 पन्ने हैं, 1550 शब्द हैं, 48 पन्ने और 1550 शब्दों में कहीं पर भी मुसलमान, आतंकी या उनकी जमीन हम मुसलमानों से को दे देंगे जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लिखित में प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है, प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे रहे, हम अपना न्याय पत्र लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहते हैं। धन्यवाद।